नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आप सभी को इंतजार था कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कैसा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और हमने एग्जाम सेंटर्स पर जाके सभी विद्यार्थियों से पूछा है कि पेपर कैसा आया, क्वेश्चन के लेवल कैसा था, कौन से पार्ट में कैसे क्वेश्चन आए। तो दोस्तों वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का, जो आपका इंतजार था। आप सभी जानना चाहते थे कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका इंतजार खत्म होता है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये विश्लेषण हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहे हैं। और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस लाल रंग के बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जो भी हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा आया। तो दोस्तों देखिए, हम बात करते हैं पार्ट वाइज कि कौन से पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों 90 मिनट का टाइम दिया गया, कुल 100 क्वेश्चन आए। मैथ में आपको बताऊंगा 25 क्वेश्चन का सिलेबस है। तो दोस्तों मैथ की अगर हम बात करें तो न ज्यादा हार्ड और न ज्यादा इजी, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो दोस्तों बहुत ज्यादा हार्ड है, उन्हें नॉर्मल विद्यार्थी नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों उन क्वेश्चन से मेरिट नहीं रहने वाली है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो उन 2 या 4 क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छा किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपने वो हार्ड क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो मैथ में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मल विद्यार्थी भी क्वेश्चंस कर सकता है। हाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इजी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन है लगभग 80% नॉर्मल लेवल के हैं, जिन्हें मॉडरेट कह सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल मैथ पढ़ा तो आप उन्हें सही कर देंगे, आपको कुछ ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों बात कर लें अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का भी सेम ही हाल है। कुछ क्वेश्चंस तो कुछ टॉपिक से ऐसे थे जो बहुत ज्यादा टफ है, जिन्हें लगभग 50% से भी ज्यादा विद्यार्थी नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे पेपर में, हमने देखा विद्यार्थियों से भी पूछा, विद्यार्थियों ने बताया आकर, उन्होंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है जो शायद ही कोई विद्यार्थी गलत करे। यानी दोस्तों अगर आप क्वेश्चन करें तो आप आसानी से उन्हें सही कर देंगे, बहुत जल्दी सही कर देंगे, उनमें कोई भी आपके लफड़ा नहीं आने वाला है। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने टाइम की प्रॉब्लम बताई कि इतने सारे क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में करने में टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैथ के क्वेश्चन है वो ज्यादा टाइम खा जाते हैं, और इसी कारण जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जीके के, उनके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा टाइम एडजस्ट करना है। जो रेलवे ने मॉडल पेपर जारी किए थे मॉक टेस्ट, या आप उनको छोड़िए, उन्हें बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि इजी क्वेश्चन है, आप उन्हें छोड़कर और किसी अन्य प्रकार से बहुत सारी साइट है उनके ऊपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इससे आपकी टाइम की प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत सारे विद्यार्थियों को यही प्रॉब्लम हो रही है। बात करें दोस्तों अगर जनरल साइंस की, तो देखिए जनरल साइंस में तो जनरल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। हां 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस में इजी है। जनरल साइंस का लेवल है वो हम इजी और मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड इसे नहीं कहा जा सकता है। अगर दोस्तों बात करें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की, यानी जीके की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, यहां पर विद्यार्थियों के लिए सबसे हार्ड पार्ट माना जाता है। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी पहले ऐसा कहते थे कि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शायद कम आएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छी तरह से पूछे जा रहे हैं। आपको करंट जीके के ऊपर भी ध्यान देना है, और दोस्तों करंट जीके वो पढ़ो जो ऐसा नहीं कि सितंबर में एग्जाम हो रही है तो आप सितंबर की ही करंट अफेयर्स पढ़ लो, कल या परसों क्या हो रहा है उसकी करंट अफेयर्स पढ़ लो, ऐसा नहीं है। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो कम से कम 1 से 2 महीने या 3 महीने पुरानी पढ़ो, और ज्यादा पुरानी मन पढ़ो कि 2017 की करंट अफेयर्स से आप पढ़ने लग जाओ। आप लगभग एग्जाम से 3 महीने पहले की, यानी अब आप देखिए सितंबर से 3 महीने पहले लगभग जून और जुलाई की करंट अफेयर है वो आपको पढ़ने हैं। करंट जीके जून और जुलाई की आप पढ़े वो ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर होने वाली है।
बात करें जनरल अवेयरनेस की तो दोस्तों देखिए इसमें भी नॉर्मल क्वेश्चन आए हैं। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हर विद्यार्थी कर लेगा, हर विद्यार्थी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉर्मल विद्यार्थी जिसने तैयारी की थोड़ी मोड़ी भी वो भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो शायद ही वो विद्यार्थी कर पाएगा जिसकी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसने खूब सारी पढ़ाई की है, हर बात को बिल्कुल गहराई से पढ़ा है और समझा है। तो दोस्तों ये देखिए हमने आपको चारों पार्टों का मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इन चारों का विश्लेषण हमने आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब आप देखिए कि पेपर कैसा आया है। और दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और दोस्तों आप इस लाल रंग के बटन को दबा दीजिए तथा इसके पास में बेल आइकन आ जाएगा, आप उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम क्वेश्चंस का वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों सभी विद्यार्थियों के मन में यही डाउट था कि पेपर कैसा आएगा और बहुत सारे विद्यार्थी पेपर से डर रहे थे। तो दोस्तों पेपर से डरने वाली कोई भी बात नहीं है, अगर आपने मेहनत की है तो वो 100% आपके काम आएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।